Good morning and welcome all my dear students in today's lecture. Today we will start our regular syllabus for 9th class CBSE. In the science subject we have three sections, that is physics, chemistry and biology. Among the biology sections we have to study a 6 chapter in this whole year. Among this 6 chapter, first one is the fundamental unit of life, second one is tissues, third one is diversity in living organism, fourth one is how do we fall ill, fifth one hai natural resources, and sixth one improvement in food resources. So one by one hame is chapter ke bare mein information leni hai. Jo first chapter hamara rahega, that is fundamental unit of life, isme hame cell aur various cell organelles, unke functions, inke bare mein information dekhni hai. Second chapter jo hai hamara tissues, उसमें हमें प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये सभी टिश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है. थर्ड वन है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमें आपको जैसे पता है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वेरियस किंगडम्स आर देयर लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया. तो इन हर एक किंगडम के बारे में देखना है. स्पेसिफिकली हम किंगडम एनिमिलिया के बारे में देखने वाले हैं इस चैप्टर में. नेक्स्ट वन है व्हाई डू वी फॉल इल, इस चैप्टर में हम वेरियस डिसीजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिसीजेस, जो कि ह्यूमन बीइंग में हम देखने वाले हैं कि कौन से डिसीजेस को ह्यूमन बीइंग सफर करता है या सफर होता है डिसीजेस से, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, उनके ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एटसेट्रा इन्फॉर्मेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे. नेक्स्ट वन है नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एनवायरनमेंट साइंस के अंदर ये टॉपिक आता है, जिसमें एयर, वाटर, लैंड, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका कंपोजिशन क्या है, एंड व्हाई शुड वी कंजर्व दिस नेचुरल रिसोर्सेस, इस तरह से इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं. देन लास्ट टॉपिक हमारा बायोलॉजी सेक्शन का 9th स्टैंडर्ड में रहेगा, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस. जैसे ही आपको पता है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फूड जो है हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना पड़ता है, और जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस स्पीड से फूड प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है, बट एफर्ट्स ले रहे हैं सब, वर्ल्ड वाइड एफर्ट्स ले रहे हैं. तो वो एफर्ट्स कौन से हैं, उनके बारे में हमें देखना है, कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है फूड रिसोर्सेस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, दैट मीन्स उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ानी है. इसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन है, येलो रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन इस चैप्टर्स में देखने वाले हैं. इस तरह से ओवरऑल एक 6 चैप्टर बायोलॉजी सेक्शन के अंडर हमें देखने हैं. आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज एक बेसिक इंफॉर्मेशन सेल के बारे में देखने वाले है. जैसे कि आपको पता है कि सेल, पर्टिकुलरली सेल के बारे में स्टडी करने के लिए साइंस में एक सेपरेट ब्रांच है, जिसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी. Right, that means the branch deals with the study of cell only. तो ये cell biology के basic things के बारे में हम आज देखने वाले हैं. Later on हम one by one सभी cell organelles, उनके functions, इनके बारे में information देखेंगे. So let's start with this today's topic. First one is all of you know the fundamental unit of life is cell. Right, जैसे कि हमने 8th standard में इसका introductory part देखा है. But राइट नाउ हमें थोड़ा डीप नॉलेज इस स्टैंडर्ड में सेल के बारे में लेना है. तो सेल मींस व्हाट? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी जो बनी हुई है, जो बॉडी का बिल्डअप है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना हुआ है. एक हम आगे जाके देखने वाले एक एक्टिविटी जो हम देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को क्यों कहते हैं, क्योंकि होल बॉडी बनी हुई है ओनली बिकॉज ऑफ सेल. देन फंक्शनल यूनिट भी सेल को कहा जाता है, क्योंकि ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, तो ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला पार्ट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा है, तो दैट पार्ट इज द सेल. सो फंक्शंस जो भी है, इसेंशियल फंक्शंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, that all functions are performed by cell, that's why cell is called as functional unit. Then biological unit, kyunki living organism ka hai to obviously hum isko biological unit hi kahenge. So in this way we can define the cell. Ab a standard mein humne dekha hai ki there are two types of cell mainly, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. So basic difference aap sabhi ko pata hai, prokaryotic cell
do not contain well developed nucleus and eukaryotic cell contain well developed nucleus. तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं बेसिकली, क्योंकि वो इम्प्रॉपरली डेवलप है. इसके बाद हम मेनली सेल के जो दो टाइप्स कहते हैं वो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. इनका स्ट्रक्चर भी हमने 8 स्टैंडर्ड में देखा है. एक बार जस्ट हम एक स्मॉल इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखेंगे, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल, राइट, एंड प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल. ओके, तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, इसके लिए एनिमल सेल का शेप जो है वो इरेगुलर रहता है. व्हाइल इन प्लांट सेल, द प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल, दैट्स व्हाई प्लांट सेल इज इन डेफिनेट शेप, करेक्ट. देन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है, दैट इज मेन सेल ऑर्गेनेल, दैट ऑक्यूपाइज 90% वॉल्यूम ऑफ दैट सेल, एंड इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आपको लेस नंबर में मिलेंगे. सो इन दिस वे एक बेसिक डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमने ऑलरेडी देखा है. वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स का लिस्ट आपको पता है, जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गॉल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन केस ऑफ प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट है, देन सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, एटसेट्रा, राइट. तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब वो कैसे बने हुए हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा है, इसमें हम डिटेल में जाने वाले हैं. राइट, सो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये सेल का. नाउ सम साइंटिस्ट जिन्होंने ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन इस सेल बायोलॉजी सेक्टर में दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है पहले तो फंक्शनल यूनिट फंडामेंटल यूनिट ह्यूमन बीइंग का क्या है ये पता नहीं था किसी भी लोगों को. तो इसमें साइंटिस्ट का वर्क या उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में भी हम देखेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमें साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जिनका ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन है उन्हीं साइंटिस्ट की लिस्ट हम आज देखने वाले हैं. तो अमंग दिस ऑल साइंटिस्ट, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया. एक्चुअली उन्होंने एक कॉर्क देखा था जिसमें हम बार कहेंगे कि एक स्लाइस लेने के बाद उनको एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे मिले थे, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, और अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंडर, जिसको हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहेंगे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया. और उन्होंने उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को या वहां के ईच एंड एवरी कंपार्टमेंट को सेल नाम दिया, राइट. तो फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर्ड करने का क्रेडिट किन को जाता है, तो रॉबर्ट हुक ये पहले साइंटिस्ट है जिनको ये क्रेडिट जाता है. एंड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हेन रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, सो इन ईयर 1665. तो ये पहले साइंटिस्ट है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस सेल बायोलॉजी में है. देन सेकेंड साइंटिस्ट है एंटोनी वैन लीवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में एक फर्स्ट इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको हम कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था. और ये ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड की. एक्चुअली जो सेल रॉबर्ट हुक इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड की थी, तो उन्होंने डिस्कवर्ड की हुई सेल एक डेड सेल थी, बट एंटोनी वैन लीवेनहॉक ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिनको लिविंग सेल डिस्कवर्ड करने का क्रेडिट जाता है. एज वेल एज एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक इन्होंने बनाया था, उसने थोड़ा इम्प्रूव टाइप का माइक्रोस्कोप, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लीवेनहॉक ने बनाया था. वो माइक्रोस्कोप के बारे में हम आगे जाके देखने वाले हैं. देन नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में सेल का कंट्रोलिंग सेंटर एक है, दैट इज न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया. कि सभी को पता है कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द सेल, एंड एक सेल में वेरियस सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जो एक एक सेल ऑर्गेनल एक एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है. बट इस सभी सेल ऑर्गेनल को रेगुलेट करने वाला एक कंट्रोलिंग सेंटर सेल में प्रेजेंट रहता है, जो न्यूक्लियस है, उसकी डिस्कवरी इन्होंने की है, रॉबर्ट ब्राउन इस साइंटिस्ट ने. देन नेक्स्ट साइंटिस्ट है पुरकिंजे, इन्होंने 1839 में ऐसा फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया कि हमारी जो सेल है वो सेल एम्प्टी नहीं है, और ओनली न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो एक लिक्विड मटेरियल उसमें प्रेजेंट है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. ये टर्म प्रोटोप्लाज्म भी उन्होंने क्वाइन की, एंड उसी प्रोटोप्लाज्म में ये आपको बाकी के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट दिखते हैं. देन नेक्स्ट है शेल्डन एंड श्वान, ये दो साइंटिस्ट जो एक ने 1838 एंड दूसरे जो है श्वान 1839, इन दोनों ने मिला के सेल थ्योरी प्रपोज की.
क्योंकि आज हम देखते हैं सेल बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सेल थ्योरी है। वर्ल्ड को 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी देने वाले ये दोनों साइंटिस्ट है। कि इन्होंने सम पॉइंट्स सेल थ्योरी में बताए थे कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। फिर लेटर ऑन साइंटिस्ट ने उनको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऐसा नेमिंग किया था। देन ये सेल्स कंबाइनली कोऑर्डिनेटली ग्रुप करते हैं, टिश्यूज तैयार करते हैं, ऑर्गन्स तैयार करते हैं। इस तरह की एक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन इन साइंटिस्ट ने हमें दी, दैट इज शेल्डन एंड श्वान। तो सेल हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी और हु पुट फोर्थ सेल थ्योरी, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में आता है। तो शेल्डन एंड श्वान ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन्होंने बताया है सेल थ्योरी में, तो इनको भी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका रहा है सेल बायोलॉजी में। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट है दैट इज रुडोल्फ फिरचो, जिन्होंने 1855 में फर्स्ट टाइम साइंस को बताया कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनके डिस्कवरी तक पता नहीं था कि किस तरह से एक सेल से दो सेल बन रहे हैं या दो से चार बन रहे हैं, किस तरह से मल्टीप्लीकेशन सेल का हो रहा है। तो ये फिरचो ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि न्यू सेल अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो ओरिजिनल सेल है जिसको हम पेरेंट सेल कहेंगे, और पेरेंट सेल से न्यू सेल्स जो तैयार होते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो इस तरह से सेल मल्टीप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, दैट इज रुडोल्फ हिर्चो। देन सेल को ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। बाद में एंटोनी वैन लिवेनहुक इन साइंटिस्ट ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। बट सेल के बारे में डिटेल नॉलेज या ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल के बारे में आज हमें जो डिटेल नॉलेज है वो हम नॉलेज सिर्फ गेन कर पाए हैं बिकॉज ऑफ दीज टू साइंटिस्ट, दैट इज नोल एंड रुस्का। इन्होंने 1940 में एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी साइंस में की, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको पता है कि 2 लाख टाइम्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देख सकते हैं, 2 लाख टाइम्स, मतलब इतना माइक्रो ऑब्जर्वेशन माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन्होंने की जिनका जिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आज हम वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितना भी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने दीजिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और सेल जो हम आज देख रहे हैं कि एक टाइनी सेल में माइन्यूट सेल में 11 to 12 सेल ऑर्गेनेल्स है, एंड ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स सेल एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, सेल इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और ये सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम क्यों स्टडी कर पाए, तो ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इनको भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करने वाले साइंटिस्ट में कंसिडर किया जाता है। सो इन दिस वे दिस आर द 7 इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट। इनके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट है जिनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस सेल बायोलॉजी में है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट है ये साइंटिस्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन्होंने डायरेक्शन दिखाई वर्ल्ड को टुवर्ड्स द सेल, दैट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट हुक। कि उन्होंने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे कॉर्क में एंड लिटिल कंपार्टमेंट्स वो उन्होंने देखे थे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इन कंपार्टमेंट्स को सेल कहा था, जैसे मैंने आपको बताया ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ये था। और ये सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अ लिटल रूम, राइट। तो ये रॉबर्ट हुक इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि एक स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स है जो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये फर्स्ट टाइम साइंस वर्ल्ड में ऐसा किया गया था कि लिविंग थिंग्स अपीयर होते हैं बिकॉज ऑफ ओनली सेपरेट यूनिट। ये फर्स्ट टाइम साइंस वर्ल्ड को इन्होंने बताया था, दैट इज रॉबर्ट हुक। नाउ माइक्रोस्कोप जो कि सेल बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल माइक्रोस्कोपिक है, वेरी टाइनी है, ऑब्जर्व करने के लिए हमें इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। 8th स्टैंडर्ड में आपने इसके सभी पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखी है, बट एक रिविजन के तौर पर हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को नेकेड आईज से देखने के लिए करते हैं, और वो उसको हम मैग्निफाई करते हैं। जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसको हम कहेंगे आई पीस, और यहाँ पे वेरियस लेंसेस है जिनकी मैग्नीफाइंग पावर अलग अलग रहती है। तो जैसे 10x,
20x, 40x, मतलब 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स, ये ऑब्जेक्ट को जूम करते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्चुअली हम स्लाइड रखते हैं और स्लाइड के ऊपर ये स्मॉल ऑब्जेक्ट रहेगा, और इस आईपीस की हेल्प से और लेंस की हेल्प से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके बॉडी पार्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये माइक्रोस्कोप के बारे में रिसर्च करने के लिए या पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच है, एक साइंस है, दैट साइंस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस माइक्रोस्कोपी, सो माइक्रोस्कोपी इज द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स यूजिंग सच एन इंस्ट्रूमेंट। तो एक माइक्रोस्कोपी एक सेपरेट ब्रांच है जिसके बारे में स्टडी करती है। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हमने आज तक देखे है, जैसे हम कहेंगे एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो सबसे पहले बनाया था दैट इज रॉबर्ट हुक, लेटर ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम बनाया था दैट इज एंटोनी वैन लीवेनहुक। अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफाइंग पावर अलग अलग है, दैट इज रेंजेस फ्रॉम 40x टू 400x। यहाँ पे x का मीनिंग है टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स वो जूम करके देखता है आपको, दैट इज 40x मतलब 40 टाइम्स जूम करके दिखाएगा, 400 मतलब 400 टाइम्स जूम करके वो दिखाएगा वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को। देन डिसेक्टिंग टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है जिसको हम जनरली लेबोरेटरीज में जो चीजें हम डिसेक्ट करते हैं, मतलब सेपरेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स को, तो सेपरेटेड पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का यूज हम करते हैं, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर है 10x टू 40x। देन ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो लेटेस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इन लेटेस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवरी करने का क्रेडिट जाता है द साइंटिस्ट जेनसन एंड जेनसन, ये दोनों साइंटिस्ट ने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की है। फर्स्ट टाइम तो बनाया था एंटोनी वैन लीवेनहुक ने, बट इम्प्रूव कंपाउंड माइक्रोस्कोप इनको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवर करने का। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो मैंने आपको बताया कि मैग्नीफाइंग पावर 1 लाख टू 2 लाख टाइम्स रहती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो कि नोलन रिस्का ने डिस्कवर्ड किया है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स है माइक्रोस्कोप के। इसके अलावा हम लाइट माइक्रोस्कोप, देन सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसे अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप लेबोरेटरीज में देखते हैं। देन हम माइक्रोस्कोप का हेड जो रहता है, मतलब जहाँ पे हम कहेंगे कि आइनोज जो रहेगा, जहाँ पे हम उसकी हेल्प से देखते हैं, इसको हम आईपीस भी कहते हैं, वो कितने हैं, उसके बेसिस पे भी माइक्रोस्कोप के टाइप्स है। पहला टाइप है मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, जिसमें हम देखेंगे कि एक ही लेंस वहाँ एक ही रहेगा आईपीस जिसकी हेल्प से हम ऑब्जर्व करते हैं। बाइनोक्यूलर जिसमें 2 आईपीस रहेंगे, एंड ट्राइनोक्यूलर जिसमें 3 रहेंगे। तो ऐसे वेरियस टाइप्स के माइक्रोस्कोप आपको आजकल लेबोरेटरीज में दिखते हैं, जो हम यूज करते हैं रिसर्च एक्टिविटी में, राइट। सो दिस इज अबाउट अ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, देन माइक्रोस्कोप, देन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज हम देखते हैं, तो हाउ दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ, राइट। तो यहाँ पे हम अगर डायग्राम में देखेंगे तो स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स है। यहाँ पे एक्चुअली एक ओनियन पील यहाँ पे लिया गया है, हमें एक एक्टिविटी है जो हम प्रैक्टिकल सेशन में एक्टिविटी करने वाले हैं, कि जिसमें हमें दिखेगा कि ओनियन की जो पील हम लेते हैं और उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसे वेरियस कंपार्टमेंट्स आपको दिखेंगे, एंड ईच एंड एवरी कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज सेल। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है वो एक सेल से बना हुआ है। अब ये सो मेनी सेल जो है वो कम्स टुगेदर, दे फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एक हायरार्की है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सेल से स्टार्ट होता है। सो वी कैन से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड दैट्स व्हाई ओनली जैसे डेफिनेशन में हमने देखा कि स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को कहा जाता है, करेक्ट। अब ये ओनियन पील है जिसमें हम एक प्रैक्टिकल के तौर पे देख सकते हैं कि ओनियन की साइज कितनी भी रहने दीजिए, तो हर एक सेल आपको सिमिलर ही दिखने वाली है, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वेरियस स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर इन शेप है, सिमिलर इन साइज है, तो व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, राइट। सो दी स्ट्रक्चर्स लुक्स टू सिमिलर ईच अदर, एंड टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो है लाइक ओनियन बल्ब,
नॉट ओनली ओनियन बल्ब बट आप कौन सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लीजिए, ह्यूमन बीइंग लीजिए, देन टॉलेस्ट प्लांट लीजिए, ये सभी प्लांट्स में जितने भी सेल्स आपको मिलेंगे, मिलियंस बिलियन सेल्स मिलेंगे, तो इन ईच एंड एवरी सेल का स्ट्रक्चर, साइज, शेप सिमिलर ही रहेगा। मतलब एक टाइनी सेल टुगेदर होके सो मेनी सेल्स, मिलियन सेल्स कम्स टुगेदर एंड दे फॉर्म सच टाइप ऑफ ह्यूज ऑर्गेनिज्म, राइट? दैट्स व्हाई ओनली सेल इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे प्लांट की सेल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सेल वॉल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म यहाँ पे रहेगा, एक न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर रहेगा, एटसेट्रा। तो एक स्मॉल स्मॉल सेल्स कम्स टुगेदर एंड दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनियन बल्ब के बारे में। अब ऑर्गेनिज्म की साइज कैसे भी रहने दो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनिज्म की साइज स्मॉल रहने दो या लार्ज रहने दो, जितने भी सेल्स उनमें मिलने वाले हैं, ऑल सेल्स आर लुक सेम, ओके? सो देयर इज नो एनी रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू साइज, सेल की सेल का शेप, सेल का साइज ये डिपेंड नहीं रहता कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइज शेप क्या है इससे, ओके? वो कितना भी छोटा रहने दो या बड़ा रहने दो, सेल की साइज तो सिमिलर रहने वाली है। और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली ओनियन पिल के बारे में देखेंगे, तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर से दैट इज द सेल्स, तो एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हमें आज देख हम हमें आज कह सकते हैं इनको, कि एक स्मॉल स्मॉल सेल्स आए हैं, उन्होंने एक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया है एंड एक ओनियन बल्ब बनाया है। अगर ये सेल्स टुगेदर नहीं आते थे, कोऑर्डिनेशन नहीं रखते थे, तो शायद इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं बनता था, करेक्ट? सो कोऑर्डिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉट ओनली ओनियन बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न मिलता है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न मीन्स व्हाट? जैसे कि सेल फर्स्ट टाइम, देन ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, करेक्ट? तो एक हर एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सेल से होती है एंड वो एक सेल की वजह से ही सर्वाइव होते हैं। समटाइम्स हम ऐसा भी देखते हैं कि सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली, जिनमें मेनी सेल्स तो नहीं है, जैसे ह्यूमन बीइंग में सो मेनी सेल्स है, सो मेनी ऑर्गन्स है, वैसे सम ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो एक ही सेल से बने हुए हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव होते हैं? तो एक सिंगल सेल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करती है, ऑल द एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, इस तरह के ऑल एक्टिविटीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है, राइट? मतलब एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आती है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर रहने दीजिए या मल्टीसेलुलर रहने दीजिए, एक सेल की वजह से ही वो सर्वाइव होता है, और सेल ये अकेला ऐसा यूनिट है जो ये ऑल एक्टिविटीज कंप्लीट करता है। सो दिस इज अबाउट दिस स्ट्रक्चर्स। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल के एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखने वाले हैं, उनका फॉर्मेशन, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर्ड किया है। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वो नंबर पे आप डाउट व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके कोई क्यूरीज है वो सभी क्यूरीज क्लियर करवा के दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।